हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल और ए फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपने सीखा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और आपने जाना कि हम डाटा को टेक्सुअली कैसे प्रेजेंट करते हैं और टेबल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज हम जानेंगे कि एक टेबल को बनाने के लिए जो भी हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे उन कॉम्पोनेंट्स को किस वे में यूज करना चाहिए, एक टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक टेबल जो होती है उसके फीचर्स क्या है कि हाउ वी विल मेक अ गुड टेबल, व्हाट आर द फीचर्स विच वी विल यूज फॉर मेकिंग अ टेबल, राइट। ये चीज है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इट मीन्स दैट कि देखिए, जब भी हम कोई टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल को बनाने के पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पज होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है हर टेबल को बनाने के पीछे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप टेबल बना रहे हो तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखना है। सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए कि आप टेबल बना रहे हो तो उस टेबल के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर वे में आप दिखाओ। उसके बाद बात आती है, इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ ए स्टैटिस्टिशियन हाउ द ही मेक अ टेबल। बिल्कुल, जो भी स्टैटिस्टिशियन होता है, जो स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है, जो डाटा, लाइक अगर मैं बात करूं रिसर्चर की भी, अगर वो किसी भी डाटा को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी विजडम के ऊपर, उसकी विजडम नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे टेबल को बनाता है। क्योंकि हमेशा टेबल को इस वे में बनाना चाहिए कि वो एक अट्रैक्टिव वे में बने और पढ़ने वाला डायरेक्टली उसको समझ जाए कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है, राइट। ये चीज होती है। उसके बाद बात आती है गाइडलाइंस। अब हम पढ़ते हैं कि गाइडलाइंस क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि फीचर्स क्या है गुड टेबल के। तो सबसे पहला आता है आपका टाइटल इज ए कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इट मीन्स दैट कि जब आप क्या बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको, जैसे हमने कल कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेबल में पढ़ा कि टेबल नंबर देते हैं, फिर हम टाइटल देते हैं, तो टेबल नंबर लाइक 1, 2, उसके बाद टाइटल कि भाई आप जो टेबल बना रहे हो उस टेबल में प्रेजेंट क्या कर रहे हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज से आपने टेबल को बनाया है, आप टाइटल में उस चीज को शो करोगे ताकि उस टाइटल से समझ में आ जाए डायरेक्टली कि आप बताना क्या चाह रहे हो, राइट ना। तो यही चीज है इसमें, टाइटल इज ए कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। टाइटल ऑफ ए टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल। जो भी टाइटल होता है ना टेबल का, वो हमेशा टॉप सेंटर पे होना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। एंड इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, कोई हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें हमेशा टेबल का जो टाइटल है वो ऐसा रखना चाहिए जिसे एक तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता हो, सेकेंड थिंग हम उसको आसानी से कंपैटिबल कर सके, थर्ड कि वो टॉप पे होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसको टाइटल को देखते ही समझ जाए कि वो टेबल किसके रिगार्डिंग बनाई गई है। आई होप इट्स बी क्लियर। उसके बाद बात आती है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है बच्चों? इट शुड बी कैप्ट इन अ माइंड दैट आइटम्स विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर आर प्लेस्ड इन अ रो और कॉलम। लाइक हम टेबल में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कुछ ऐसा डाटा है जिसमें हम कंपैरिजन शो करें। लाइक अगर मैं कहती हूँ आपको कि मैंने एक गांव में डाटा कलेक्ट किया और उसमें मैंने जाना कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, राइट, तो इसका मतलब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। या फिर मैंने जाना लिटरेसी रेट और ई लिटरेसी रेट के बारे में, तो भाई पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे है ना, तो कंपैरिजन है ना। तो इसमें क्या होगा, रोज और कॉलम्स में आप इसको दिखाइए, रो में दिखाइए और कॉलम में दिखाइए आप इस इंफॉर्मेशन को, ताकि आसानी से कंपेयर किया जा सके, आसानी से कंपैरिजन मेड किया जा सके। तो ये होता है इसमें आपका। थर्ड आता है आपका स्पेशल एम्फोसिस। स्पेशल एम्फोसिस का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि कुछ आइटम टेबल में ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी होता है। एम्फोसिस का मतलब कि फोकस डालना बहुत जरूरी होता है, और उस फोकस के लिए जब आप टेबल बना रहे हो ना, तो आप उसको क्या कीजिए, कुछ उसको आप हेड दे दीजिए, एक हेड नोट दे दीजिए, ठीक है। आप उसको क्या कर दीजिए, एक हेड नोट दे दीजिए, आप उसको टाइटल दे दीजिए और उसको एक बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए ताकि वो आसानी से समझ में आ सके, राइट। ये होता है आपका स्पेशल एम्फोसिस। मतलब सम आइटम्स इन द टेबल मी नीड अ स्पेशल एम्फोसिस,
सच आइटम शुड बी प्लेस इन अ हेड रो और हेड कोलम। इट मीन्स दैट कि कुछ आइटम टेबल में ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल एम्फोसिस की जरूरत होती है क्योंकि उसके रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप प्लेस कीजिए हेड रो और हेड टेबल में। जैसे रो में जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर हमने टाइटल डाल दिया, ठीक है, तो वो स्पेशल एम्फोसिस हो गया कि रो में हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद कोलम में जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने टाइटल डाल दिया कॉलम वाली लाइन में कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है स्पेशल एम्फोसिस। मैं आपको पूरा टेबल के थ्रू भी बताऊंगी कि किस पे क्या चीज है, क्या होता है, हेड रो कॉलम सब बताऊंगी लास्ट में। स्पेशल एम्फोसिस का मतलब यही है, सीधी सी बात, कि जब टेबल बना रहे हो आप तो आप क्या कीजिए, जो भी चीज आप रो में दिखा रहे हो, आप कॉलम में दिखा रहे हो ना, आप उसको क्या कीजिए, आप उसको बोल्ड लेटर में लिख दीजिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि आप रो और कॉलम में बताना क्या चाहते हो, राइट। उसके बाद बात आती है आइडियल साइज की, और आइडियल साइज का मतलब यहाँ पे ये होता है सिंपल कि जब आप टेबल बना रहे हो तो देखो, हम जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी होती है, डाटा को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो अगर हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर ले पहले से, कि क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कितने रो बनेंगे कितने कॉलम बनेंगे, तो हमें एक रफ स्केच बनाना होता है कि टेबल जो है उसका साइज ये है, कि मान लीजिए हमें 10 कॉलम बनाने हैं, हमें मान लीजिए 10 रो बनानी है या 15 रो बनानी है, 15 कॉलम बनाने हैं, ये सब किस में डिपेंड करता है, ये आइडियल साइज होता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कितने रो कितने कॉलम, मान लीजिए आपने टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आपके पेज में उतनी जगह नहीं है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई उस पेज में, ठीक है, अगर आप पहले से ही रफ स्केच ड्रॉ कर लेते तो आपको पता होता कि इस पेज में तो आएगा नहीं, तो आपको बड़ी शीट लेनी होगी टेबल बनाने के लिए, राइट ना, या फिर आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा टेबल का, ठीक है। तो इसमें यही कह रखा है कि जब टेबल बनाते हो ना तो आप क्या करो, टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडियल साइज, टेबल का साइज जो होता है वो आइडियल होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए, एक रफ ड्राफ्ट स्केच ड्रॉ कर लीजिए, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कितनी रो बनेंगी कितनी कॉलम बनेंगी, ठीक है। उसके बाद बात आता है स्टब, तो स्टब के बारे में हमने पढ़ा था, स्टब रो से रिलेटेड होते हैं, तो स्टब जो होते हैं वो रो से रिलेटेड होते हैं, और रो का जो हेड होता है वो स्टब कहलाता है, ठीक है। बट क्या होता है, इफ द रोज आर वेरी लो, अगर क्या होता है रो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत रो जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो स्टब्स हैं उनके राइट हैंड साइड में हमें एक हेड डाल देना चाहिए, हमें बता देना चाहिए कि हम एक्चुअल में प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, राइट, हमें क्या कर देना चाहिए, राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल आल्सो, मतलब इफ रोज आर वेरी लॉन्ग स्टब्स में बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल आल्सो। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टब्स बना रहे हो तो स्टब्स मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन रो में प्रेजेंट कर रहे हो आप, राइट, तो आप हेड दे रहे हो, है ना, अब आप हेड दे रहे हो उसमें, तो आप क्या कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना स्टब में, तो उसमें आप क्या कीजिए, राइट हैंड साइड, लाइक आप उसके अगर रोज बहुत लंबी लंबी है तो आप राइट हैंड साइड में क्या कर दीजिए, उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दीजिए जो आपने ऊपर जो किया था ना, रो बनाई थी और आपने हेड दिया था जिसको हम स्टब बोलते हैं, तो रो के साइड में भी लिख दीजिए कि आपने जो वहां लिखा था वो साइड में भी लिख दीजिए, ताकि क्लैरिफिकेशन हो सके रीडर को कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताई गई है, क्लियर हो गया। उसके बाद बात आती है जीरो की, तो जीरो शुड बी यूज्ड टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल, जीरो का जो यूज किया जाता है वो क्वांटिटी के लिए ही यूज होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर आपकी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, 150 है, 1000 है, इस वे में है, तो आप जीरो का यूज कीजिए, लाइक 1000 है तो 1 के आगे 30 आ गया, लाइक 250 है तो 25 के आगे जीरो आ गया, लाइक 10000 है तो 1 के आगे 40 आ गया, राइट, समझ रहे हो इस बात को। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ऐसे क्वांटिटी आप शो करें, लाइक आप 40 केजी लिख रहे हो तो भाई 4 के आगे जीरो लगाना पड़ेगा, राइट ना, तो उस केस में क्या है आपका, तो आप जीरो लगाइए, आप जीरो लगाइए उस केस में, जब टेबल बना रहे हो तो आप जीरो लगाइए, उस केस में आप यूज कर सकते हो। बट अगर डाटा ही अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए किसी चीज के रिगार्डिंग डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप जीरो मत लिखिए, आप जीरो मत लिखिए, आप क्या लिख दीजिए, निल लिख दीजिए, एन ए लिख दीजिए, या फिर डैश, आप क्या लिख दीजिए, हाइफन साइन दे दीजिए, डैश का साइन दे दीजिए कि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, राइट, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप जीरो मत लगाइए, अगर आप जीरो लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो टेबल बनाते वक्त अगर
क्वांटिटी जो वेरिएबल जीरो में है लाइक 10 है 20 है 30 है 50 है तो जीरो लगेगा राइट बट अगर 10 20 30 कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप डैश लगाएंगे आप जीरो नहीं लिखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती किसी चीज के बारे में तो हम क्या लिखते जीरो लिख दे तो कभी जीरो नहीं लिखना चाहिए हमें क्या लिखना चाहिए निल लिखना चाहिए या फिर डैश का साइन दे देना चाहिए ठीक है। उसके बाद बात आती है हेडिंग की। हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन अ सिंगुलर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलम इंडिकेटिंग द गुड्स। हेडिंग का मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप कॉलम है कॉलम में जो भी हेडिंग देते हैं तो उसको कैप्शन के नाम से जाना जाता है तो इसमें कहा है कि आप हेडिंग दीजिए जो भी अगर आप कॉलम में आइटम लिख रहे हो या फिर आप रो में आइटम लिख रहे हो तो उसकी हेडिंग दीजिए कि किसके रिगार्डिंग आप आइटम जो भी है इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो। लाइक आप गुड्स के बारे में बता रहे हो तो आप गुड्स का हेडिंग डाल दिया आपने कि भाई गुड्स है यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के गुड्स लिख दिए उसके नीचे ठीक है तो आप हेडिंग दे दीजिए। लाइक आपने इनकम का डाटा कलेक्ट किया तो आपने इनकम का हेडिंग दे दिया आपने एक्सपेंडिचर का किया तो आपने एक्सपेंडिचर का दे दिया आपने लिटरेसी का डाटा कलेक्ट किया तो आपने लिटरेसी का हेडिंग दे दिया तो दैट्स द हेडिंग। तो टेबल बनाओ जब हेडिंग जरूर दो। उसके बाद बात आती है एब्रीवेशन की। एब्रीवेशन का मतलब यहाँ पे सीधी सी अगर मैं बात करूं तो हमें छोटी फॉर्म का यूज नहीं करना है हमें छोटे फॉर्म का छोटे चीजों का यूज नहीं करना है एब्रीवेशन का मतलब तो हमें हमेशा एब्रीवेशन को अवॉइड करना चाहिए ठीक है। हेडिंग में भी सब हेडिंग में भी जैसे गवर्नमेंट हम लिखते हैं जैसे हम गवर्नमेंट लिखते हैं और आपने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में GOVT ठीक है आपने लिख दिया गवर्नमेंट लिख दिया जैसे हम गवर्नमेंट लिखते हैं तो आपने लिख दिया GOVT तो दैट्स रॉन्ग मे बी सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो राइट तो गवर्नमेंट मतलब है तो पूरा गवर्नमेंट लिखो। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी लिखना है तो मैंने लिख दिया एमपी। अब एमपी मतलब तो मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट भी होता है तो वो समझने वाला समझे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है मॉनेटरी पॉलिसी उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान थोड़ी है सभी को तो ज्ञान नहीं होता ना स्टैट का और इकोनॉमिक्स का ठीक है। तो एब्रीवेशन का यूज मत कीजिए टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी फुल फ्लैश लिखिए पूरी प्रॉपर मैनर वे में लिखिए क्लियर। तो ये होता है आपका एब्रीवेशन। उसके बाद बात आती है बच्चों फुटनोट की। तो फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। जैसे हमने कल पढ़ा था ना फुटनोट इन द सेंस कि जैसे इंग्लिश की बुक में आपकी मीनिंग्स होते हैं टफ मीनिंग्स होते हैं तो उसके ऊपर एक स्टार मार्क होता है ना और फिर उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो नीचे होता है लास्ट पेज पे है ना उस पेज पे जिस पेज पे वो वर्ड आया है उसी पेज के नीचे होता है आपकी बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा तो वो होता है फुटनोट ठीक है कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे कि आप एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हो। तो जरूरी नहीं है हर बार फुटनोट देना अगर जरूरी है तो ही दीजिए अगर जरूरी नहीं है तो मत दीजिए कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा ठीक है। अगर जरूरी है तो जरूर दीजिए बट अगर जरूरी नहीं है तो मत दीजिए। यूनिट्स यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनको आपको हमेशा स्पेसिफाई करना होता है अबाउट द कॉलम। देखो अबो द कॉलम अगर मैं बात करूं हमने हेड नोट पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ ए टेबल में हमने हेड नोट पढ़ा था और उस हेड नोट में मैंने बताया था आपको कि जब हम टेबल नंबर के साइड में टाइटल देते हैं तो उसके नीचे ना हम हेड नोट डालते हैं लाइक इन्फॉर्मेशन लैक में है या टन में है तो वही होता है यूनिट ठीक है। जैसे हम पूरी इन्फॉर्मेशन ही डालते हैं लाइक 1000 में है इन्फॉर्मेशन तो हमने 1 2 3 डाल दिया और ऊपर लिख दिया 1000 तो 1000 है 2000 है 3000 है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी होती है। लाइक लैक में इन्फॉर्मेशन है तो हम 75 लाख लिखना है तो 75 लाख पूरा थोड़ी लिखूंगी मैंने हेड नोट डाल दिया लैक में इन्फॉर्मेशन गिवन है और नीचे मैंने 75 लिख दिया तो बच्चों वो होता है यूनिट्स आपका ठीक है। उसके बाद बात आती है टोटल की। टोटल का मतलब यहाँ पे ये है कि इन अ टेबल सब टोटल ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द ईच रो एंड द कॉलम ऑल्सो ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप टेबल बना रहे हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन भी कॉलम में या रो में रिप्रेजेंट किया आपने तो हर एक के नीचे टोटल करना होता है आपको और ग्रैंड टोटल भी करना होता है कि भाई कितना डाटा गिवन है ठीक है तो वो होता है टोटल आपका। तो टोटल हमेशा करिए आप ठीक है तो आपको क्लैरिफाई भी होगा क्लियर भी होगा उससे। परसेंटेज एंड रेशियो अगर परसेंटेज फिगर प्रोवाइड करी जाती है टेबल में ठीक है तो आप कर सकते हो ताकि आपकी टेबल और भी ज्यादा यूजफुल हो ठीक है। तो आप परसेंटेज में भी डाटा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एक्सटेंट ऑफ एप्रोक्सीमेशन इफ सम एप्रोक्सीमेट फिगर हैव बीन यूज्ड इन द टेबल द एक्सटेंट ऑफ एप्रोक्सीमेशन मस्ट बी नोटेड। लाइक अगर आपने कोई चीज को अप्रोक्सीमेट किया है ना हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं लाइक हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेट 900 अप्रोक्सी 900 हम बोलते हैं ना
तो इट मीन्स दैट कि वो 900 से जैसे 910 हो सकता है, ठीक है, या फिर 890 भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो वो होता है अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने अप्रोक्सीमेट लिया है, नीचे फुटनोट में दे दीजिए। सोर्स ऑफ द डाटा, बिल्कुल जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, जिस सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो, उसका सोर्स जरूर बताइए फुटनोट के नीचे कि आपने उस डाटा को कहां से कलेक्ट किया है। उसके बाद बात आती है साइज ऑफ द कॉलम। बिल्कुल साइज ऑफ द कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल। जो भी साइज होता है कॉलम का, जो भी इंफॉर्मेशन भाई आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने आइडियल साइज तो बनाया ही है। तो साइज ऑफ द कॉलम ये नहीं है कि कोई कॉलम छोटा है कोई कॉलम बड़ा है, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर साइज लो एक आइडियल, मैं तो कहती हूँ एक आइडियल स्केच ड्रो करो और फिर प्रॉपर साइज लो, क्योंकि आपको आगे टेबल्स बनानी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस वे में बनानी है टेबल। तो आप प्रॉपर एक आइडियल साइज लो, ठीक है। तो जो साइज होगा ना कॉलम का, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। रूलिंग ऑफ द कॉलम, रूलिंग ऑफ द कॉलम का मतलब यहाँ पे ये है कि रूलर की मदद से कॉलम को बनाइए ताकि प्रॉपर साइज में बने और उसमें क्या हो, ज्यादा गैप ना हो, प्रॉपर गैप हो, सिमिलैरिटी हो कॉलम्स में, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। सिंपल इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, बिल्कुल जो भी आप डाटा टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो वो इस वे में कीजिए कि वो सिंपल भी हो, अट्रैक्टिव हो और इकोनॉमिकली इन स्पेस हो। मतलब कि एक तो सिंपल टेबल बनाइए, ज्यादा नहीं ऐसा नहीं बनाओ कि देख के समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या बना दिया, कि अट्रैक्टिव बनाइए अच्छे से, टेबल नंबर टाइटल वगैरह अच्छे से बोल्ड लेटर्स में दीजिए, अच्छे से बनाइए ताकि आसानी से समझ में आए सभी को, ठीक है। और एक इकोनॉमिकली भी होना चाहिए जिसमें टाइम ज्यादा ना लगे बनाने में। तो ऐसे सिस्टम को आपको यूज करना चाहिए कि आप आसानी से उस टेबल को बना सके, राइट। तो ये था आपका सिंपल इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव में। उसके बाद बात आती है, मैं अब बताऊंगी आपको कि टेबल जैसे हम बनाते हैं ना, तो उसमें कैसे क्या चीज होती है वो बताती हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने टेबल बनाया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन का, फूड ग्रेन के रिगार्डिंग, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ तो उसके रिगार्डिंग मैंने टेबल बनाया, ठीक है। तो टेबल वन ये तो क्या हुआ बच्चों, टेबल नंबर हुआ, ये क्या हुआ टेबल नंबर हुआ। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्या हुआ, टाइटल हुआ। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्या हुआ, टाइटल हुआ। अब इसे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना वो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग दी जा रही है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, क्लियर। उसके बाद देखिए नीचे दिया टोटल इन लैक एंड टन, जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लैक और टन में है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो लैक और टन में है, क्लियर है, लैक और टन में गिवन है आपका। तो ये क्या है आपका हेड नोट है, ये क्या है आपका हेड नोट है। अब देखिए यहाँ पे फिर टेबल बनाई मैंने, तो यहाँ तो मैंने प्रोडक्शन डाला कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ लैक और टन में, और ये मैंने फूड ग्रेन लिख दिया क्योंकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ले रही हूं, तो फूड ग्रेन तो अलग अलग होते हैं ना, लाइक राइस है, व्हीट है ना, पल्सेस है, ये सब चीजें। तो फूड ग्रेन आपका स्टब का हेड है, इसको बोला जाता है स्टब, इसको बोला जाता है स्टब, और ये है बच्चों आपकी क्या रो एंड इट्स अ कॉलम। तो ये तो स्टब की एंट्रीज है, राइस है, व्हीट है, अदर है ना, राइस है, व्हीट है, अदर्स है, तो ये तो रो है और रो रिलेटेड टू द स्टब, ठीक है। तो ये तो स्टब हेड है फूड ग्रेन, और जो राइस व्हीट अदर है वो है स्टब की एंट्रीज की, स्टब हेड के अंडर क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ना हेड हो गया टाइटल हो गया, तो ऐसे देने चाहिए हमें, ठीक है, स्पेशल एम्फोसिस के लिए। फिर देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन है, तो ये कॉलम का हेड हो गया जो कैप्शन के नाम से जाना जाता है, और फिर ये कॉलम की टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज सब कॉलम हेड में आ गया ये, ठीक है। फिर जो ये आइटम प्रेजेंट कर रखे हैं मैंने, इनको सेल बोला जाता है, ठीक है, जो भी आइटम होते हैं बॉडी ऑफ द फील्ड ऑफ ए टेबल में उनको सेल बोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके नीचे हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, ठीक है, ये टोटल कर दिया। तो जैसा मैंने बताया आपको टोटल करना जरूरी है, तो ये टोटल कर दिया, ये गाइडलाइन में पढ़ा हमने अभी। फुटनोट, फुटनोट में मैंने दे दिया कि भाई जो अदर्स है तो अदर्स में वो सारे फूड ग्रेन ले लिए जो बचे हुए थे, ठीक है, तो वो फुटनोट डाल दिया मैंने, क्योंकि समझ नहीं आया भाई अदर फूड ग्रेन कैसा होता है, कभी सुना ही नहीं। तो जो जितने भी फूड ग्रेन बच गए ना वो सारे अदर्स में आ गए। सोर्सेज डाटा कहां से लिया, भाई इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2012-13 में, तो वहां से मैंने इस डाटा को उठाया है, क्लियर। तो ये था आपका गाइडलाइंस और फूड ग्रेन ऑफ ए टेबल। गाइडलाइंस थी कि कैसे आपको टेबल जो है वो बनानी है, उसके रिगार्डिंग क्या थी आपकी, ये गाइडलाइंस थी, क्लियर। तो ये आपकी टेबल होती है, इसको आप अच्छे से करना और पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स प्रिपेयर करो, और जैसा कि रोज आपको सबमिट करना होता है तो मेरे पास सबमिट कीजिए। थैंक यू।